जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की हमारी जर्नी थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को उदय एक्सप्रेस जो कि हमारे पीछे खड़ी है इसमें यात्रा करके दिखाया था। तब ये ट्रेन कंप्लीट एसी हुआ करती थी और कंप्लीट ट्रेन में डबल डेकर कोच लगा करते थे। पर यह है भारत की सबसे पहली उदय एक्सप्रेस, जिसे बैंगलोर से कोयम्बटूर के बीच में चलाया गया था 2018 में। लेकिन इसकी सीटें कभी भर नहीं पाती थी, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था कि बहुत ज़्यादा खाली थी। हमारे कोच में लोअर डेक में भी अकेले मैं ही बैठा हुआ था। दोस्तों मैं सोच ही रहा था कि रेलवे क्या करेगी ऐसा जब पूरी ट्रेन खाली जा रही है, तो रेलवे ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। पीछे आप देख सकते हैं नॉन एसी के कोचेज इसमें लगे हुए हैं उदय एक्सप्रेस में, और 5 नॉन एसी के कोच और 5 एसी के कोच डबल डेकर कोचेस रेलवे ने इसमें लगा दिए हैं। और अब ये ट्रेन कोयम्बटूर तक ऐसे ही चलती है ताकि दोनों तरह की यात्रियों को सुविधा पहुँचा दी जा सके, नॉन एसी और एसी वाले। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ शोर काफ़ी ज़्यादा है, अंदर चल के आपसे इंटीरियर में बात करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे खड़ी हुई है डबल डेकर एक्सप्रेस और मैं हूँ उदय एक्सप्रेस में। और इस जर्नी की स्पेशल बात यह है कि कुप्पम तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उदय एक्सप्रेस में, ताकि इसके सिटिंग क्लास का मैं रिव्यू दे सकूँ, और उसके बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ डबल डेकर एक्सप्रेस के एसी क्लास में, ताकि उसका भी मैं आप लोग को रिव्यू दे सकूँ। दोनों ही ट्रेनों का रिव्यू एक ही साथ हो जाएगा। कुप्पम से मैं जा रहा हूँ अराकोणम। एक्चुअली मुझे जाना अराकोणम था, मैं डायरेक्ट टिकट ले सकता था डबल डेकर में, पर मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को रिव्यू दिया जाए, जिसके कारण आधी जर्नी उदय में करूँगा और आधी डबल डेकर में करूँगा। खैर दोनों ही ट्रेनें डबल डेकर हैं, पर उदय कुछ फीचर्स के कारण डबल डेकर से अलग है, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं इंटीरियर डिफरेंस। सिटिंग का तो यहीं से देख सकते हैं। खैर सिटिंग का तो पूरी जर्नी देखने को मिलेगा, और काम करते हैं पहले एसी क्लासेस का कवर करके आते हैं, फिर आगे की जर्नी देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं उदय एक्सप्रेस का इंटीरियर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्लाइडिंग डोर, डोर को ओपन करेंगे ऐसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा ट्रेन में। और हाँ, इसीलिए अपर और लोअर डेक ये कहलाता है, इसीलिए उदय एक्सप्रेस का डबल डेकर। ये रहा लोअर डेक, वो रहा अपर डेक, देख सकते हैं आप लोग। दोनों जगह आपको ले चलते हैं, प्लेटफॉर्म से कितना करीब है वो भी आप देख पाएंगे। ये देखिए सामने डबल डेकर खड़ी है, तो उसके पहियों के हम लोग काफ़ी करीब हैं, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ देख लीजिए प्लेटफॉर्म से कितना डिस्टेंस है इसका, मतलब जो यहाँ की विंडो वाला यात्री है प्लेटफॉर्म एकदम करीब से देख सकता है। मैंने इस उदय एक्सप्रेस में एक सेलम तक की जर्नी, मतलब 5-6 घंटे की जर्नी की है, अपर डेक लोअर डेक से व्यू और भी बहुत सारी सुविधाएं, खाने पीने की चीज़ें इस जर्नी की दिखाई हुई हैं। पूरी जर्नी देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ देख सकते हो। ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी जर्नी थी वो। खैर अब इस उदय एक्सप्रेस में 2S के कोच भी लग चुके हैं, तो उसके भी रिव्यू की बारी है, चलते हैं वहाँ भी। लेकिन उससे पहले आपको इसका अपर डेक भी दिखा देता हूँ। लाइट वगैरह जल चुकी है, तो कोच काफ़ी अच्छा लग रहा है उदय का। तो दोस्तों ये रहा अपर डेक ट्रेन का, ऐसे आपको स्टेप चढ़ना है और यहाँ आप पहुँच गए अपर डेक में।
अभी तक आप प्लेटफॉर्म के करीब थे, अब आप लोग हो गए लोग जो हैं बैठे उनसे भी ऊपर, काफ़ी जो नीचे प्लेटफॉर्म में लोग बैठे हैं उनसे हम काफ़ी ऊपर हैं। तो ये जो हाइट है ना, इसमें ओवरटेक देखने में बहुत मज़ा आता है। जब हमारी ट्रेन किसी ट्रेन को ओवरटेक करती है, खैर उदय एक्सप्रेस को जो शेड्यूल दिया गया है उसमें किसी को ओवरटेक नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर गुड्स वगैरह को भी करती है तो बहुत मज़ा आता है देखने में वो चीज़। तो कुछ ऐसा इंटीरियर यहाँ पे दिया गया है आपको, LCD डिस्प्ले जहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह होती रहती हैं, ट्रेन कहाँ पहुँच रही है सब लिख के आता है, स्पीड वगैरह लिख के आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सामान रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। खैर मैं बता दूँ, वैसे जब मैंने यात्रा की थी तो इतने सारे यात्री होते हैं एक कोच में, और उस पर लगभग 120 यात्री होते हैं, और उसमें अगर इतना सा स्पेस दिया जाए सामान रखने का तो कम पड़ जाता है। चलिए वापस से उतर के चला जाए अपने कोच तरफ, काफ़ी समय व्यतीत कर लिया, आज हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सेकंड सीटिंग के लिए है तो वहीं जाके बैठेंगे। वॉशरूम वगैरह की अब रिव्यू की बात करोगे तो बैंगलोर में ही साफ सफाई होती, तो आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। रिव्यू आपको पूरा इसी वीडियो में मिल जाएगा उदय का। चलिए चलते हैं अपने कोच तरफ। एकदम नए चमचमाते कोच दिए गए हैं उदय एक्सप्रेस को सिटिंग के लिए। ये रहे सिटिंग के कोचेस, बहुत ही गजब लग रहे हैं, मतलब आप देख सकते होंगे चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं फैन वगैरह के कंट्रोल के। ये है उदय एक्सप्रेस के सिटिंग का इंटीरियर, बहुत ही लाजवाब। मान गए यार, जो नए LHB कोचेस हैं देखने में तो बहुत ही अच्छे हैं, अब जर्नी एक्सपीरियंस करके ही आपको बता पाएंगे कि एक्चुअली में ये कोच कैसे हैं। तो दोस्तों समय हो रहा है 2:15 और एग्जैक्टली ऑन टाइम हम लोग चल चुके हैं बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से। दोस्तों हमारे जो उदय एक्सप्रेस है 104 किलोमीटर में हम लोग आज यात्रा करने वाले हैं। जस्ट आप लोग को रिव्यू देने के लिए, ट्रेन बैंगलोर सिटी के अंदर भी बैंगलोर कैंट स्टेशन में रुकती है, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेशन है जहाँ मेन में ट्रेन ज़्यादातर रुकती ही है, पर हमारी उदय एक्सप्रेस वहाँ नहीं रुकती है। ट्रेन सीधा बैंगलोर सिटी चलने के बाद कृष्णाजपुरम पहुँचती है, वहाँ जाके ट्रेन का स्टॉप है, उसके बाद बंगारपेट भी बिना रुके हुए सीधा जाके कुप्पम रुकती है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी इसको यहाँ पे इस रूट पे रिस्पेक्ट दी गई है, प्रायोरिटी दी गई। अभी आने वाला मेरा फेवरेट स्टेशन जहाँ का मैं हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ एक्चुअली बैंगलोर में, वैपनहरी रेलवे स्टेशन, चलिए आप उसका स्किप देखिए। दोस्तों ट्रेन में नॉन एसी कोच इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीज़न ये था कि जो उसके एसी कोचेस थे वो खाली जा रहे थे,
तो ट्रेन में 9 ऐसी कोचेज इंट्रोड्यूस किए गए। अब आपको मैं बताऊं कि ये कोचेज भी अब खाली ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं अब अपने कोच से 2 कोच और आगे आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ अलग तरह की सीटें हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैं आप लोग से कह रहा था कि उन सीट्स में पुशबैक वगैरह नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हो कि पूरा पुशबैक वाली सीट है। यहाँ पर दिया हुआ है पुशबैक का सिस्टम, ये है नॉर्मल इसकी चेयर और ये है पुशबैक वाली बटन। इसको आप पुल करेंगे तो अपने आप आपकी सीट पीछे की ओर जाएगी। और ये वाली जो सीटें हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उन सीट से, और इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। विंडो वगैरह तो है ही। तो चलिए अब दिखाता हूँ आपको तेकल स्क्रिप्ट, बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मैं कभी कभी आप लोग के लिए वीडियो बनाने भी आता हूँ। तो देखिए तेकल का स्क्रिप्ट, मेरे करने का समय आने वाला है, तो इससे आप लोग से अलविदा ले लूँ।
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और उदय एक्सप्रेस की ये शानदार सिटिंग वाली सीटें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो, द ट्रेन गुरु नाम है वहाँ पर, मैं ऐसे फोटोज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलूंगा आपसे और ढेर सारी जर्नी में, ढेर सारे ट्रेन रिव्यूज में, ऐसे ही तरह तरह की ट्रेनों के हर क्लास में आप लोग के कवर करता रहूँगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक ख्याल रखिए आप लोग अपना दोस्तों। जय हिंद। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।